आज का समय में यूट्यूब क्रिएटर ने सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला माइक का नाम है बोया माइक, जो मैं भी परचेस कर लिया। इसका अंदर में क्या क्या होता है, बोया माइक को इस्तेमाल कैसे करता है, उसका प्राइस कितना है, पूरा जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। मेरा अनबॉक्सिंग वाला नाइफ से इसे फ्लिपकार्ट का बॉक्स को काट के ऐसे बोया माइक का बॉक्स को बाहर में निकालता हूँ। उसके बाद ये बोया माइक का चारों साइड देख सकते हैं आप लोग, बोया M1, ये है फ्रंट साइड, बहुत ही अच्छा है उसका कवर और इस्तेमाल भी बहुत अच्छा होगा। उसके बाद ये पीछे साइड में क्या क्या होता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके हिसाब से यहाँ में फीसास का बारे में कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि ये कैमरा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और नॉइज कम है उसका। उसके बाद यहाँ में देख सकते हैं आप लोग ये कितना वेट है, कितना फ्रिक्वेंसी रेंज है, कितना सेंसिटिविटी और बैटरी का बारे में कुछ लिखा हुआ है, इसे कुछ खास नहीं है। उसके बाद ऐसे बॉक्स को तोड़ फोड़ करके अंदर से सामान को निकाल लेता हूँ, देखता हूँ अंदर में क्या क्या सामान है। निकालने के बाद अंदर में लेदर का एक कवर मिला है, शायद उसका अंदर में कुछ होगा, देखता हूँ क्या होगा। बॉक्स का अंदर में और कुछ मिलता है, ये बोया का दो स्टिकर मिला है। उसके बाद ये थोड़ा उसका कुछ लिखा हुआ होगा, पता नहीं क्या है ये। उसके बाद उसका ये जन्म कुंडली, हाँ सही है, उसका जन्म कुंडली है इधर, कैसे इस्तेमाल करना है उसका बारे में हमें पूरा लिखा हुआ होगा। अभी असली वाला सामान निकाला है, ये है बोया माइक, उसका वायर देखो बहुत लंबा है, इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा होगा, वायर बहुत लंबा है। उसके बाद उसका अंदर में और एक ये शायद ऑडियो जैक होगा। और ये है क्लिप जो शॉट का ऊपर वाला में लगाता है, और ये है ऑडियो जैक, कैमरा में इस्तेमाल करने वाला है ये ऑडियो जैक। और ये हो गया एक्स्ट्रा बैटरी, ये हो गया माइक का ऊपर में लगाने वाला टोपी, और इसमें बैटरी को लगाया जाता है। उसके बाद ये ढक्कन ऑफ करने के बाद, मतलब ये जब कैमरा में इस्तेमाल करेगा तब बैटरी लगा सकता है। माइक को ऐसे गार्डन का पास में रखना है, ज़्यादा दूर में रखेगा तो ऑडियो क्लियर नहीं होगा, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं देना है, इसे लगाना है। लगाने के बाद अब ये जो देखा है स्विच को ऊपर में देगा तो ये DSLR कैमरे के साथ कनेक्ट होगा, नीचे में रखेगा तो स्मार्टफोन लिखा है स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट होगा, मतलब नीचे में रखना है, ऊपर में देगा तो ये DSLR कैमरे के लिए और नीचे में देगा तो ये स्मार्टफोन के लिए। बोया माइक को इस्तेमाल करते समय सबसे ज़्यादा गलती होने वाला बात यह है कि सब ने इसे स्विच को ऊपर में रखता है, जब नया नया में इस्तेमाल करता है किसी को मालूम नहीं होता है, इसे ऊपर में रखता है तो उसके बाद एंड्रॉयड के साथ कनेक्ट करके वीडियो बनाता है, लेकिन ऑडियो नहीं आता है, जो कि ये नीचे में रख के रिकॉर्ड करना है, उसके बाद ऑडियो आएगा, वीडियो के साथ ऑडियो आएगा, मतलब ऊपर में देगा तो DSLR कैमरा के साथ कनेक्ट है और नीचे में देगा तो एंड्रॉयड के साथ। ये सबसे ज़्यादा गलती होता है पहली बार में, इसलिए इसको ध्यान देना है। और दूसरा वाला बात है, जब अब वीडियो रिकॉर्डिंग का टाइम में ऑडियो नहीं आएगा तब अब एंड्रॉयड में प्ले स्टोर से ये ऐप मिल जाएगा ओपन कैमरा बोल के, इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को एक सेटिंग्स मिलेगा, ये कैमरा सेटिंग्स में जाना है और सिर्फ वीडियो सेटिंग्स में जाके ये रिकॉर्ड ऑडियो को ऑन करके रखना है, जो मैं करके रखा हूँ इसको ऑन करके रखना है। उसके बाद अब आराम से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बोया माइक के साथ। वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा आगे बढ़ने में मदद करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।